तो नमस्कार दोस्तों। तो भाई लोग, काफ़ी दिनों बाद आज फिर से हम हाजिर हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी मतलब आप लोगों के बीच। और देखिए, लॉकडाउन में क्या हालत हो गया है यार। देखो, दाढ़ी वगैरह बड़ा बड़ा होते जा रहा है, अभी लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है हमारे। और पता नहीं आपके तरफ लॉकडाउन है या नहीं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है, सभी तरफ बढ़ते जा रहा है। और जिधर मैं रहता हूँ इधर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोरोना का बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और दिन भर मतलब बैठे बैठे चेहरे में पूरा पसीना हो जाता है, ऑयली हो जाता है। मैंने अभी पाउडर लगाया चेहरे पे ताकि आप लोग के सामने थोड़ा सा चेहरा स्मूथ दिखे। ठीक है, तो ये रही थी मजाक की बात। और आते हैं बात मुद्दे पे। तो दोस्तों, आज मैं बनाया हूँ एक कोर्था सॉन्ग का ट्रैक, और कोर्था सॉन्ग था ये। लेकिन यहाँ पर जो इसमें बीट इस्तेमाल हुआ था, ये नागपुरी टाइप का बीट था, जैसे नागपुरी सॉन्ग पे यूज़ होता है बीट, उस टाइप का था। तो यहाँ पर मुझे नॉर्मली से भोजपुरी की तरह जो होती है डीजे ट्रैक, उस तरीके से बनाने को कहा गया, लेकिन मैं इसे उस टाइप का बनाता तो ये मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसे थोड़ा सा अपने से मॉडिफाई टाइप करके, जैसा इसका ओरिजिनल ट्रैक था सेम उसी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि ये डीजे बीट पर लगा है तो ये नहीं बोलूँगा कि सेम बना है, लेकिन उसी स्टाइल पर पूरा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, लूप से मैंने इसको बनाया है। आप लोग को भी दिखाने जा रहा हूँ, और आप भी अगर चाहें तो मुझसे बनवा सकते हैं किसी भी गाने का कॉपीड ट्रैक बिना किसी कॉपीराइट का। मैं उस पर आप लोग बना दूंगा मात्र 400 रुपये में। तो आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई वेव प्लगइन या स्वर प्लग अगर लेना हो तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्वर प्लग और वेव प्लगइन दोनों का रेट 400-400 रुपये है। अब ये मत बोलिएगा 400 में दोनों दे देंगे, ऐसा नहीं है, एक का 400 एक का 400। ठीक है, चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और एक और नए वीडियो के साथ। एक कोर्था जो सॉन्ग का मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ट्रैक, और सेम कोशिश किया हूँ उसी स्टाइल पर रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस है, और टोन का जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया हूँ वो थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी जो इसमें पैटर्न इस्तेमाल हुआ है आप लोग देख लीजिए किस तरीके से है। और यह एक कोर्था सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जैसे बाकी की बातें मैं आप लोग को शुरू में ही बताया, तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं एक लेयर बने हुए हैं, कोई ज़्यादा कुछ लेयर नहीं बना है, मेलोडी बना है। मैंने 11 पैटर्न का इस्तेमाल किया है और इसको मैंने पूरा बना दिया है इतने ही में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग को मैं इसमें थोड़ा सा प्ले करके सुनाता हूँ इसका, मैं थोड़ा सा ओरिजिनल का आपको सुना दूँ। इसको हम म्यूट कर देते हैं, ओरिजिनल का मैंने जो इसका सुनने के लिए वोकल मैंने इसको यहाँ से बंद किया हुआ था, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो इसको सुनिए थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऐसा नहीं प्ले करूँगा कि कॉपीराइट है। ठीक है, तो इस तरीके से बजा हुआ है, और आगे थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। एक मैंने वीडियो पे मात्र 10 सेकंड चलाया था, कॉपीराइट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से सॉन्ग है, इसका बीट सुनिए, यहाँ पर सुनिएगा, ये नागपुरी स्टाइल का है ये, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बीट बना है, और आप लोग को मैं थोड़ा सा सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से ये बना हुआ है, और मैं प्ले करने जा रहा हूँ, सुनिए थोड़ा सा किस तरीके से ये ट्रैक है। जेके संगीत प्रोडक्शन। एक था मुखड़ा का म्यूजिक दोस्तों, और आप लोग को बता दूं कि ये एक डीजे स्टाइल पर मैंने इस बीट को बनाया है, और आप लोग को सुना देता हूं। देखिए पैटर्न नंबर 1 पे इस तरीके से, इसको मैंने पियानो रोल पे जाने के बाद इसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है, यानी
यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। पियानो रोल पे जाने के बाद हल्का सा एडजस्ट किया है और पैटर्न नंबर टू में इस तरीके से है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या लगा है दोस्तों, ये एक बनाया हूँ ब्रेक, ठीक है। और एक ये फिर हमारा मेलोडी पार्ट है, बस तीन ही पैटर्न बना है उस चीज़ का, मतलब हमारा। मैं इस आप लोग को सुनाता हूँ, देखिए ओनली जो मैंने बनाया है उसको, बाकी ये दो ठो एक इसको लगा दिया हूँ, ये लूप है, ये ढोलकी का डीजे वाला, तो इस तरीके से बज रहा है। तो इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा सुना देता हूँ अंतरा, अंतरा का म्यूजिक, तो इस प्रकार से है, इसको भी सुन लीजिए। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, अटक रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब भी हम ऑन करते हैं तो ये अटकने लग जाता है, अन्यथा ऐसे तभी अटकता है फिर स्टूडियो में जब हम ज़्यादा यहाँ तक पैटर्न पहुँचा दें, 20 पैटर्न 21 तक, तब अटकता है ये। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने पर पता नहीं क्यों ज़्यादा अटकने लग जाता है इतने कम लेयर पर ही। तो इस प्रकार से बना है दोस्तों, और एक देखिए इस टाइप का फील देने वाला मैंने लगाया है, आप लोग को इसी को सुनाता हूँ। इसका मैंने साउंड हल्का सा रखा है, इसको मैं बनाया हूँ दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया, 11वां नंबर पैटर्न है, इसको मैंने बनाया हूँ दोस्तों। ये आपका हार्मर इसी के अंदर जो मिलता है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रीसेट है मैंने इसको ये लिया है पावर अप 1, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ गया भाई, दिखा नहीं रहा, ये देखिए यहाँ पर पावर अप 1 दिखा रहा है। तो कीबोर्ड कोई सा भी बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर मेलोडी हुआ है हमारा, सिंथ 1 का इस्तेमाल किया हूँ, सिलिंथ 1, ये स्वर प्लग से बना है दोस्तों, ये वाला जो पैटर्न है ये स्वर प्लग से बना है, ये स्वर प्लग से बना है दोस्तों। और इसमें मैंने थोड़ा सा कोरस इफेक्ट दिया है, और ये वाला भी बड़ा है, भी बना है स्वर प्लग से। तो इस प्रकार से दोस्तों छोटा सा रिव्यू था आप लोग के लिए, तो आप लोग भी चाहें तो संपर्क कर सकते हैं ट्रैक बनवाने के लिए, और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा नीचे। किसी भी गाने का कॉपी कराएँगे, ट्रैक बनवाएँगे, 400 रुपये लगेगा आपको, इसी तरीके से ट्रैक देंगे दोस्तों हम। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, बताएगा नीचे कमेंट में। बाय बाय।